में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां अलग अलग विधानसभा से आए विधायक, प्रत्याशी और विभिन्न पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्या हमारे कार्यकर्ता का सम्मेलन रहा और ये मेरा पहला दौरा है, मतलब इधर आने का। मैं बस्तर से पहली बार ये विधानसभा में मतलब आई हूँ, और जो दिखने को जो मिला है बस्तर में, तो नक्सल के नाम में कई चीज़ों को बोल के विकास को रोक दिया जाता है, वहाँ नक्सल है। लेकिन हमको यहाँ वर्तमान में यहाँ भी आने के बाद देखने के मिला, अभी हम आते वक्त कई घंटों से चक्का जाम है, वो भी हाईवे रोड है और उसमें पूरी ट्रक धस गई है। और यहाँ पर तो ऐसे भी चीज़ों देखने को मिला है कि बच्चे बिना चप्पल का जा रहे हैं, रोड नहीं है, कुछ नहीं है। रमन सरकार हमेशा ये कहते हैं कि हमने बहुत विकास कर लिया। आज हमने ऐसे बच्चों को, दो स्कूल बच्चों को देखा जो पैदल जा रहे थे, जिसके पैरों में चप्पल नहीं थी, और मोदी जी बस्तर में जाके चप्पल पहना के आ जाते हैं महिला को, और यहाँ देखो वो बच्चे बिना चप्पल का जा रहे हैं, उसका रोड सही नहीं है ना, कुछ नहीं है। तो यहाँ पर भी विकास, यहाँ किस बात की डर, यहाँ ऐसा क्या है नक्सल का? बस्तर तो नक्सल के नाम पे विकास को रोक के ये बताया जाता है, पर यहाँ भी तो कोई विकास मुझे नहीं दिखा। छत्तीसगढ़ में आप लोगों की पार्टी कितने ये जीतने की तो पूरी उम्मीद है, कोशिश कर रही है, क्योंकि मैं इससे इस तरह से अभी वो नहीं बोल सकती, लेकिन हमारा पूरा दौरा अभी जारी है और अभी पूरी प्रदेश में इस तरह के चुनाव को लेकर हम दौरा करेंगे, फिर बताएंगे कि हमारी सीट कितना है। उम्मीद है हम इस बार जीतेंगे। सरकार बना रहे हैं, मतलब अच्छा सरकार तो बनेगी, और यहाँ तो पूरा बहुत वो लगा हमारे कार्यकर्ता का इस सम्मेलन से, ये मुझे विश्वास है कि यहाँ पर हम जरूर जीतेंगे। और रायपुर के मेकाहारा अस्पताल में संजीवनी एक्सप्रेस की